हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्रा में कस्बा शाहबाद मारकंडा में उस समय प्रशासन हरकत में आ गया जब यहां शुगर मिल का एक कर्मचारी जिसका पीजीआई में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया और इस खबर के आग की तरह इलाके में फैलने के बाद इलाके को सील किया गया। उस व्यक्ति की उम्र 52 साल बताई जा रही है। इस खबर के बाद प्रशासन ने शाहबाद लाडवा रोड को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक जिला कुरुक्षेत्रा में कोरोना का एक भी केस नहीं था, किंतु इस केस के आने के बाद इलाके को सील किया गया है। ये बात सामने ये बिल्कुल आज ही पता लगा। ये कल पीजीआई में गए थे दिखाने के लिए, इनको सांस की प्रॉब्लम चल रही थी, पहले भी बीमार रहते थे। 24 तारीख को पहले गए थे और वहाँ एडमिट होकर 26 को वापस आए। कल इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और फिर ये पीजीआई गए और पीजीआई जाके इन्होंने आइसोलेशन में वहाँ उनको रखा और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर ये शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एडमिट रहे हैं कुछ दिनों के लिए? ये मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, अभी फ़िलहाल यही है डिटेल कि कल जो आए थे और कल जो सा कल से पीजीआई आज जाके पीजीआई वालों की इनके आया कि कोरोना पॉजिटिव है। कैसे में सर स्वास्थ्य विभाग की रणनीति क्या रहेगी? जैसे यहाँ हमने अभी इसको शुगर मिल को कंटेनमेंट जोन बनाना है और उसके बाद बफर जोन के लिए इसकी जो 1.5 किलोमीटर के रेडियस वाले वो सारे जो से हैं वो उसको बफर जोन बना देंगे। तो फिलहाल इसको शुगर मिल को हम कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहे हैं और बाकी मैंने जितने भी अपने स्वास्थ्य की जो टीमें हैं उनको बुला लिया है और मौके पर जाके सारा निरीक्षण करेंगी, सैंपलिंग भी किए जाएंगे। वो बार बार जो है चंडीगढ़ में पीजीआई में चेकअप कराने जाया करते थे, कल गए थे तो आज सुबह पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है और पीजीआई में दाखिल है। तो सर कितने मिल कर्मचारी हैं टोटल मिल के अंदर? मिल में लगभग 650 एम्प्लॉई हैं जो तो 3 शिफ्ट में आते हैं। तो जिससे सर वो पेशेंट थे रमेश चंद जी, क्या मिल में ड्यूटी पे भी आ रहे थे? नहीं, ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया जाएगा, कोई क्या रणनीति बना रहा है मिल प्रशासन? हाँ, अभी रणनीति बना रहे हैं और प्राइमरी फेस है तो हम कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ इसके आसपास में थे हम लोग, हमारी कॉलोनी थी, सभी का टेस्ट कराएंगे। और सूचना मिली है वो पीजीआई के अंदर दाखिल है रमेश कुमार, तो उसके बारे में जैसे कुछ अब तक पुष्टि नहीं हुई हमारे पास, ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, फिर भी हम उसके लिए एहतियात के तौर पर इसको एरिया को सील कर रहे हैं और डॉक्टर टीम अपनी सैंपलिंग वगैरह कर रही है, सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे सारा कुछ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।